ਕਾਈ ਰਚੜੀ ਕਉਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਏ ਕਟਤੀ ਕਟਦੀ ਕਉ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਈ ਕੋ ਕੀ ਆਜ ਪਰਾਈ ਰਚੜੀ ਕਉਆ ਕੀ ਕਰੜਾਈ ਰਚੜੀ ਕਉਆ ਕੀ ਕਰੜਾਈ ਕਿ ਕਟਦੀ ਪਿੰਟੀ ਕਉ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਈ ਕੋ ਕੀ ਆਜ ਪਰਾਈ ਰਚੜੀ ਕਉਆ ਕੀ ਕਰੜਾਈ सजना ये बूढ़े मानस युवाओं को शिक्षा देवे नुकंग रे वो कृष्ण था जो इस कौ ने अपनी मां समझ कर इसकी सेवा करया करता आज या दुनिया उसने भगवान समझ कर पूजा है। सजना बेराना किसे किसे प्रचार करेंगे उस कृष्ण भगवान का नाम लेकर इस गौ ने मां कह के लेकिन सिर्फ प्रचार प्रचार बढ़िया है मारा व्यवहार बढ़िया कौन है इस गौ के प्रति कैसा व्यवहार है मेरे समाज का इस गौ माता के लिए कैसे क्या लिखा नंबर एक बोला दी कैसी
हो गीला कारी कौन चरावे कितले जावे से मुश्किल भारी छूट के ठकाने हंडे को मारी मारी छूट के ठकाने हंडे को मारी मारी छूट के ठकाने हंडे को मारी मारी धरती वो है धरती कहानी सुन लो दुनिया का नारी धीरे धीरे लोग हो के फिर मांसाहारी पेट बकरी सूर का तड़खाने आ रहते बेचण लागे कौआ ने हम पण कवे पारी बेचण लागे कौआ ने हम पण कवे पारी बेचण लागे कौआ ने हम पण कवे पारी अर काटण खातिर पकड़ा हती ओ काटण खातिर पकड़ा हती कौआ के घर कसाई हो की आज पराई र चटकी कौआ की करनाई साथी है भाई राजू मकड़ोली जो जिसने 12 दिन हो गए 11-12 दिन हो गए उसने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है वो मेरा युवा साथी कि जब तक ये सरकार इन किसानों की बातें नहीं मानेगी नहीं सुनेगी तब तक मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा जो परण लेकर उस मकड़ोली टोल प्लाजा पर बैठा है सारे किसान भाई उसके सहयोग में खड़े हैं ऐसे ऐसे युवा साथी हैं मेरे समाज में जब भी कोई बुराई नजर आती है तो आवाज उठाते हैं अपने हरियाणा प्रदेश में अपने आसपास के राज्यों में बेरना कितनी गौशाला है जहां पे गौओं की सेवा होती है लेकिन कुछ हैं जो सारा का नाम बदनाम कर रहे हैं वह झोला छाप वह अपने गांव में आ करें फलाने गांव में गौशाला खोली है और चंदा इकट्ठा करो और जब उड़ा जाकर देखें कुछ नहीं पावे 5-7 उरेन पुरेन तक पकड़ के और उड़े खुटिया के बांध लें वह उड़े भूखी मरे और उस सारे चंदे का उनका रोजगार चलता है ये सच्चाई है अगर इतनी बड़ी सभा है कोई भाई इस तरह की किसी कमेटी में जुड़ रहा हो तो वह बुरा ना माने क्योंकि न्यू का आग्रह कलाकार और कवि ये समाज का आईना होते हैं जो समाज में बुराई होती है वो कलाकार उसको दिखाने का काम करता है कि अपने समाज में यह बुराई है इसको दूर करो अगर इन बातों पर भी कोई मानस आवाज उठावे व
वह इंसानियत भी नहीं होया करती। कई दिन हो गए जब एक रागनी गौ माता की, मैं अपने कुंडली बॉर्डर पे किसान भाई इकट्ठे हो रहे, उन्हें बुला लिया, वहां पे गौ माता की रागनी गाने लग रहा। सजनों एक 70 साल का बूढ़ा मेरा न्यू समझ मन आई आ किसने सारी उम्र खो क्या मदी। 70 साल का बूढ़ा आन के मेरा हाथ पकड़ लिया, न्यूकल लगा रहा छोरे इस रागनी ने बंद कर दे। मगा ताऊ क्यों न्यूकल लगाया? तो मोदी की रागनी है। सजनों आख्या में पानी तो नहीं लेकिन दिल जरूर रोया। अगर यह विडंबना है मेरे देश की, इन बुजुर्गों को भी यह नहीं पता कि यह मोदी की रागनी कौन है, या थारी रागनी है। इस गौ माता का दर्द है यो, और इसने किसान नहीं समझेगा तो और कौन सुनेगा? सरकार नहीं सुना करती है। इलेक्शन आता है तरह तरह के वादे करते हैं, गौवा ने बचावांगे, उस गौशाला में न्यू करांगे, उड़े न्यू करांगे, और सत्ता माने के बाद किसी का ध्यान नहीं है। ये रोड़ा पर रोज एक्सीडेंट हुए, ये क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं? ये कहे बिना मारे तो डटिया नहीं जा करता। ये न्यू हुए हैं उन मानसा के कारण हुए हैं जो गौशाला में पूरे साल 5 रुपये की पर्ची नहीं कटवाओ। प्रधान जी 5 रुपये की, 5 रुपये की पर्ची पूरे साल नहीं कटवावे। और जब साल में जब ये सकरात पे गौशाला इकट्ठे हो जाकर सारे, जब उस सभा में जाके अर्नू कहेगा अरे प्रधान है के कर रहा इस गौशाला में, इसका हिसाब दे। उस मानस ने हिसाब चाहिए। वह मानस अच्छे काम करने वालों को रोकते हैं ना, तो इसे इसे तो आज भी है, किसे किसे है। ईसा भगत होया इस हरियाणा प्रदेश में, जिसने पूरा जीवन उस गौ माता की सेवा में लगा दिया, उसे उसे आज भी है। मेरे युवा साथी सुनियो कौन सा भगत। सेवा ने जमींदार
से इन खतर के करना हो सरकार रोवे से। सुन लो कितना कौमत का, सुन लो कितना कौमत का पार रोवे से। गोबर गेरा करके आज वो क्या रोवे से। अलम चले दोरी किला रोवे से। लात मारी पी करने वधार रोवे से। लात मारी पी करने वधार रोवे से। लात मारी पी करने वधार रोवे से। सिंह खांडे आहड़े की वो आजाद सिंह खांडे आहड़े की रोवे से कलिताई होगी आज मनाई रचड़ी गौआ की दरलाई पटकी पटकी गऊ देख एक बात समझ में आई होगी आज पराई रचड़ी गौआ की दरलाई रचड़ी गौआ की दरलाई। पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी।